खुशगवार मई जून शुरू बहुत ज्यादा गर्मी होंगी है लेकिन इस दफा अल्लाह की ऐसी मेहरबानी है कि जून का महीना जो जून लग नहीं रहा मौसम बहुत अच्छा वा। हाँ जी हाँ। पता गल की हमेशा जून च जरा ना दर्जा हरारत 40 तो उत्ते होंदा है उत्ते होंदा ते नॉर्मल नालों में थले आ गया दर्जा हरारत ते मौसम बड़ा चंगा है। अच्छा। अल्लाह ताला ने अपने बंदियां दे खास रहमत की थी कि गर्मी दा तसव्वुर ही कोई नहीं। हाँ जी अच्छा ते आने वाले दिनों दे विच अपने लाहौर गुजरांवाला सियालकोट इन्हां इलाकां दे विच किस तरह का मौसम रहेगा? आने वाले जिहड़े दिन ने ना लाहौर डिवीजन गुजरांवाला सियालकोट चंग फैसलाबाद अपना शेखपुरा यह जिन्ना भी इलाका है ना इनके च मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा लेकिन दो एक दिन तक ना थोड़ी बहुत ही थोड़ा बहुत मीह पैन का चांस है मीह पै सकता है मौसम इस तरह का ही रहना। अच्छा तो आज मूंजी का इलाका वा अपना सारा मूंजी का इलाका जनाब बारिश का घट ही चांस है। अच्छा ते जेड़ी पनीरी काश की पानी पुनी लाओ लेकिन अल्लाह के कमां दा कोई पता है तुसी अपनी जमीन आस्ता आस्ता तैयार रखो। अच्छा तैयार कर लो बल्कि। अच्छा ते जी फिर आपे उधर मुंतकिल कर लेना मतलब फिर टूल चला के ते जमीन तैयार कर लोगे। हाँ जी ते पनीरी भी अपनी जेड़ी है ना तैयार रखो। अच्छा अच्छा चौधरी साहब तो सामने जनूबी पंजाब के मौसम की सूरत हाल दसो क्योंकि कपास की काश्त एक बड़ा अच्छा इलाका ते लोगों ने काश्त भी मुकम्मल कर ली है ते हुण पानी लाण दा टाइम है ते की सूरत हाल है बारिश के जेड़ा है ना जनूबी पंजाब जिहड़ा इत्थों अपना मुज़फ्फरगढ़ है जी खान है बावलपुर है बावल नगर है जिन्ना भी इलाका है ना जिथे कपाह काश्त की थी है उत्थे भी एक दो दिन तक हल्की फुल्की बारिश हो सकती है लेकिन मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा। कपाह वास्ते मौसम जिहड़ा ना गर्मी जरूरी है ते जिहड़ा है ना तुसी कपाह नूं पानी हमेशा लाना है मौसम नूं देख के बिलफर्ज हुण तुसी पानी लाता कपाह नूं ते उत्थों मीह पै गया थोड़ा भी पै गया ते उन्दे कई पौधे जिहड़े ना कपाह दे इह खुश्क हो जांदे बल्कि सुक जांदे इस परों तुसी जदों ही पानी लाना है ना ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਪੌਦੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਸੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਏਰੀਆ ਨੀਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਸਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ जनाब गवर्नमेंट ने ना इनका काफी बंदोबस्त किया है झाल भी स्प्रे कर रही है ते वड्डे जिमीदार जिहड़े ट्रैक्टर के पिछे भी स्प्रे करते ने ते छोटे जिमीदार मशीनां नाल अपना ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਵਾ ਦੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਟਿੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ
अगे चली जाएगी जिथे स्प्रे की बवेगी खत्म हो जाएगी। अगर पीपा भी नहीं है तो तुसी घर का कोई बर्तन जिहड़ा खड़कदा है बच्चे ने वो खड़काए छोट के चली जाएगी। ये आसान तरीका है, इन्दे खर्चा भी कोई नहीं आता। हाँ जी तो चलो जी बड़ी मुफीद मालूमा तुहाडे को मौसमियां दे बारे मौसम दे बारे पता चल गया और सारा जिन्नियां खबरां मां मिल गईयां ते इंशाल्लाह आइंदा भी आउंदे रहणगे। जी मेरी गल सुनो, तुसी बड़े खुशकिस्मत इतने आते हो मेरे को कभी कई मफीद मशवरे दईदे ने मौसम देखते हो लेकिन तुसी जेड़े आते हो ना बड़ा अच्छा कर दे लेकिन अपने छोटे जिम्मेदार बड़ी मेहरबानी बड़ा रहमत इंशाल्लाह रब राखा जी रब राखा।